अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर एसएसपी ने बहादुरबाद क्षेत्र में हुई डकैती का खुलासा करते हुए कहा कि जांच में पता चला है कि बहादुरबाद क्षेत्र में एक व्यापारी से 50,000 और कुछ सामान की लूट हुई है। जब टीम ने इसकी जांच की तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस घटना का खुलासा हुआ। बता दें कि पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनके पास से 44,000 रुपये और एक स्कॉर्पियो कार बरामद की गई है। साथ ही 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। ये 10:10 की रात्रि को बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से करीब 50,000 रुपए और उसका मोबाइल और थैला वगैरह छीन लिया गया था। और प्रारंभिक जानकारी में यह आया था कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी इसमें इन्वॉल्व थी, इसमें 4 लोग शामिल थे। चूंकि ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग हैं, तो उस हिसाब से पुलिस ने अपनी पतारसी सुराग रखी और सीसीटीवी वगैरह के एनालिसिस से इस केस को वर्कआउट किया है। इसमें जो गाड़ी है वो बरामद हो चुकी है, 4 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 44,000 रुपये, उसका मोबाइल वगैरह।